हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम मोशन इन वन डायमेंशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए जब भी हम कभी भी स्पीड के बारे में बात करते हैं या हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, तो जो स्पीड है वो ये बताती है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग। बॉडी इज मूविंग। लेकिन जब हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। प्लीज एक बात याद रखना कि जब हम स्पीड के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि एक बॉडी कितना तेज या कितना स्लो मूव कर रही है। बट जब हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तब हम ये कहते हैं कि वो कितनी तेज या कितनी स्लो चल रही है, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। तो इसी वजह से जो वेलोसिटी है वो बन जाती है मेरी वेक्टर क्वांटिटी और जो स्पीड है वो बन जाती है मेरी एक स्केलर क्वांटिटी। तो जब हम स्पीड की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर सेकेंड। मतलब ये कि अगर मुझे बेसिकली स्पीड को कैलकुलेट करना है तो वो होता है आपका डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की तो इसका मतलब होता है इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर सेकेंड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब ये कि ध्यान से प्लीज देखना मैं क्या करने वाला हूं। लेकिन जब हम कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन तो वो बन जाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं वेलोसिटी को दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इस फॉर्मूले से हम अपने वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसके कुछ और टर्म्स भी लिख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो इसके अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एसआई में डिस्टेंस हमेशा मीटर में लेते हैं और टाइम सेकेंड में लेते हैं, तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है। और अगर मैं सीजी यूनिट के बारे में बात करूं तो ये होता है सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है, और जो टाइम है वो सेकंड में है, इसलिए सेंटीमीटर पर सेकंड ही लिया जाता है इन सीजीएस। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो होती है मीटर एंड नीचे आ जाएगा सेकंड, ये है आपका एसआई सिस्टम में। एज वेल एज अगर मैं सीजीएस सिस्टम के बारे में बात करता हूँ तो ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये है स्पीड का यूनिट एज वेल एज वेलोसिटी का यूनिट। इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया कि जो स्पीड है वो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और जब मैं वेलोसिटी के बारे में बात करता हूं तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जब मैं वेलोसिटी को लिखता हूं तो मैं इसको एक्चुअली ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और साथ में होगी उसकी डायरेक्शन, राइट। तो जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है ना, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होती है स्पीड। और अगर साथ में उसके मैं डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑटोमेटिकली वो बन जाती है आपकी वेलोसिटी। तो अगर मैं चाहूं तो ये भी कह सकता हूं द स्केलर क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। तो एक बात हमेशा याद रखना, दोनों के मतलब में सिर्फ एक बात का डिफरेंस है कि जब मैं वेलोसिटी के बारे में बात करता हूं तो मैं साथ में डायरेक्शन इंक्लूड कर लेता हूं कि वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरी स्पीड क्या होगी। लेकिन जब मैं नॉर्मल स्पीड कैलकुलेट करता हूं तो उसमें कोई डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती।
आई होप आपको स्पीड एंड वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। इनके रिलेटेड हम कुछ और टर्म्स भी स्टडी करते हैं, जैसे कि मेरे पास आया था सबसे पहले, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, तो इसके लिए मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास ओरिजिन है, दिस इज माय ओरिजिन। ओरिजिन आपको पता है ना अब सारा कुछ क्या होता है। ऑलराइट, सो देखिए ये है मेरी पाथ, ठीक है। एंड इनिशियली मान लेते हैं एट टाइम टी इक्वल जीरो मेरी जो बॉडी है वो ओरिजिन पे ही थी, तो एक्स इक्वल टू जीरो डाल देता हूँ। जब मेरे पास टी हुआ, जब मेरा टाइम हुआ 1 सेकेंड, तो मान लेते हैं जो मेरी बॉडी है उसने 5 मीटर कवर किया। फिर मान लेते हैं जब टी के ऊपर 2 सेकेंड हुए तब उसने 10 मीटर कवर किया, और जब टाइम होता है 3 सेकेंड तब मान लेते हैं कि उसने 15 मीटर तक कवर कर लिया। अब मैंने आपको एक चीज़ बड़े ध्यान से समझानी है, जो प्लीज़ आपने बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात, अगर मैं ये दो पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो इनमें टाइम का गैप कितना है, 1 सेकेंड का, और इन दोनों के बीच में पोजीशन के बीच में गैप कितना है, वो है 5 मीटर का। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को देखोगे तो इनके बीच में 2 माइनस 1 1 सेकेंड आएगा। इसको बेसिकली इंटरवल कहा जाता है, टाइम इंटरवल, ठीक है। जब हम किसी दो पॉइंट्स के बीच के टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम कहते हैं टाइम इंटरवल, तो ये 1 सेकेंड हुआ। सिमिलरली 10 और -5 कर दूंगा तो इनके बीच का गैप आएगा जो कि 5 मीटर आ रहा है, राइट। उसी तरह 1 सेकेंड, उसी तरह 5 मीटर, इज दैट ओके। अब आपने देखा कि एक बॉडी एक्चुअली में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो उसको हम कह देंगे यूनिफॉर्म स्पीड। उसी तरह अगर मैं चाहूं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आपके साथ डिफाइन कर सकता हूं। तो इस केस में कहूंगा व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन वन पर्टिकुलर पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन द बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो देखिए अगर मैं बात करता हूं कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहां तक मैं बॉडी को कहूंगा यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन जैसे मैंने डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दी इसके अंदर कि वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तब हम कहेंगे उसको एज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर आप चाहें तो इसको ये भी कह सकते हो, इस वाले यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर कहता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है, और अगर वो कहता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये है इन दोनों का डिफरेंस। देखिए सब कुछ एग्जैक्टली सेम ही होता है, सिर्फ फर्क इस बात का है कि एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है और एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एक के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा और दूसरे में नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने जो करना है वो है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो इसका मतलब होता है, देखिए मैं आपको वही सेम एग्जांपल देता हूँ, बट थोड़े से उसके वेरिएबल चेंज कर देता हूँ। कि देखिए इनिशियली क्या था ये आपका ओरिजिन, ठीक है। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। तो अब क्या हुआ कि जब टी इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ तो मान लेते हैं कि एक्स का हुआ 5, जब टी हुआ 2 सेकेंड तो एक्स की वैल्यू हो गई मान लो 15 मीटर, ठीक है, इसको मीटर डाल देता हूँ। और जब टी हुआ मान लेते हैं कि हमारे पास 3 सेकेंड्स, तो एक्स हमारे पास हो गया मान लेते हैं यहाँ पे दैट इज 20 मीटर, ठीक है। अब ऐसे सिनेरियो को बड़े ध्यान से देखना। अब इसका गैप देखो, गैप इसका 1 सेकेंड का है, इसका गैप भी 1 सेकेंड है, इसका गैप भी 1 सेकेंड है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो ये आपका 5 मीटर है, इसके गैप में आ जाएगा 10 मीटर, और इसके गैप में अगेन आएगा 5 मीटर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअली इक्वल टाइम इंटरवल तो है बट इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसके लिए कहा जाता है व्हेन अ बॉडी कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेट टू बी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या हम ये भी कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो एक बात याद रखना कि ये जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है वो डेफिनेशन एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी है, बट इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, आपका डायरेक्शन। तो इसमें एक डेफिनेशन आपकी और ऐड हो जाती है, जब हम ये कहते हैं व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट द डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग देन द बॉडी इज सेट टू बी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और उस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो मेरी बॉडी है वो आपकी मूव कर रही है। तो देखिए ये मेरी बॉडी है और ये मान लीजिए वो इस तरफ मूव कर रही है। ऐसे सिचुएशन में मान लेते हैं कि इट इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आर, ठीक है, वो इस तरह से मूव कर रही है। हर एक पॉइंट पर इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आर है, तो इस केस में आपकी जो स्पीड है वो आपकी कॉन्स्टेंट है, राइट, स्पीड कॉन्स्टेंट है, और इसलिए मैं कहूंगा कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन भी है, यूनिफॉर्म मोशन भी है। लेकिन हर पॉइंट पर अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूं तो वो डिफरेंट होती है। जैसे इस पॉइंट पर अगर देखो तो इसकी डायरेक्शन ये है, अगर इस पॉइंट पे आ गया तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे आएगा तो इसकी डायरेक्शन ये है, तो इस पॉइंट पे आएगा तो डायरेक्शन ये है। तो देखिए आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप वेलोसिटी की बात करते हो तो वो होती है स्पीड इनटू डायरेक्शन, ठीक है, और अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन लगातार अगर चेंज हो रही है तो आप बोलेंगे कि आपकी वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। सो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी जो वेलोसिटी है वो आपकी वेरिएबल हो सकती है, मतलब अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर बट तब भी अगर आपकी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि ये जो वेलोसिटी है वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है। तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने स्टडी करना होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए ये लगभग सेम सा ही होता है। देखिए इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये एक ट्रैक है और इसमें जो गाड़ी है वो आपकी मूव कर रही है। इनिशियली जब टाइम टी इक्वल टू 0 था तो एक्स भी आपका 0 है, ठीक है। जब टी इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए जैसे वो यहां पहुंचेगा, सपोज यहां पहुंचा, तो मान लेते हैं ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, राइट, फिर ये 10 मीटर पर सेकेंड में ही था, फिर इसने स्पीड बढ़ा के बन गया ये 20, फिर ये 30, फिर ये 40, ये 50 और ये 60, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि स्पीड लगातार बढ़ रही है आपकी। अब मुझे ना ये पता करना है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरी स्पीड क्या थी, मतलब क्या कि अगर आपसे बोलूं कि बताइए मेरे 6th सेकेंड, जब मेरा 6th सेकेंड था तब पर्टिकुलर मतलब स्पीड क्या थी, तो आप बोलेंगे ये मेरा 6th सेकेंड है और इसमें स्पीड कितनी है 60, तो इसका आंसर होगा 60। तो मतलब यह है जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चेक करना होता है कि मेरी स्पीड क्या है, तो उससे पहले क्या स्पीड है मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद मेरे पास क्या स्पीड है मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी वैल्यू क्या होगी।
तो वो होती है उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी विद पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ कोर्स, तो वो आपकी हो जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने पढ़ना है वो एक्चुअली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वो है आपकी एक तो एवरेज स्पीड और दूसरे आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो आज के लेक्चर के अंदर तो मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इन्हीं दो के रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझना। तो देखिए क्या हो रहा है, सपोज कर लो कि अगर आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, तो वो ए पॉइंट पे था, उसके बाद वो बी पॉइंट पे पहुंचा और फिर वो सी पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। यहां पे उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया लेट इट बी एक्स वन और यहां पे उसने किया लेट इट बी एक्स टू। ए से बी जाने में जो टाइम लगा टी वन, ये टाइम इंटरवल है, मैं टाइम ले रहा हूं, मैं टाइम इंटरवल ले रहा हूं, मतलब ए से बी के बीच में कितना टाइम लगा। उसी तरह यहां पे जो टाइम है उसको मैं लूंगा टाइम इंटरवल, दैट इज टी टू। तो अगर मैं एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूँ, देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक नॉर्मल बात बताता हूँ। देखिए क्या है, मान लीजिए कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो, हमेशा आपकी स्पीड एक जैसी तो नहीं हो सकती, कभी आप तेज ड्राइव करते हो कभी स्लो ड्राइव करते हो, तो ऑन एन एवरेज आप कितनी स्पीड में पहुंचे हो उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। और उसको निकालने का बहुत बढ़िया तरीका भी है और वो तरीका ही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि उसका तरीका होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। मतलब ये कि देखिए ये एक्स वन है प्लस एक्स टू ओवर टी वन प्लस टी टू। तो जब आप इंडिविजुअली ए और बी के बीच के डिस्टेंस को और बी और सी के बीच के डिस्टेंस को अगर आप आपस में ऐड करके डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दोगे तो आपको मिल जाती है आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। उसी तरह अगर आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो देखो हम डिस्टेंस का क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो ये बन जाता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। देखिए मैं अभी आपको ना एक्चुअली एक एग्जांपल बताता हूं, तब जाके आपको ये समझ में आएगा ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। सो मान लेते हैं कि मेरे पास एक पर्सन है, वो ए पॉइंट पे था इनिशियली, ठीक है, उसने एक लेंथ कवर करी और वो बी पॉइंट पे पहुंचा। मान लेते हैं कि इसके बीच का जो गैप है वो आपका 10 मीटर का गैप है, ठीक है, एंड 5 सेकेंड लगते हैं उसको ये गैप कवर करने में। उसके बाद वो वापिस आता है और सी पॉइंट पे आके रुक जाता है, ठीक है, पहले वो ए से बी गया फिर वो बी से सी आया, और ये जो गैप है ये आपका 5 मीटर का गैप है और ये भी वो 5 सेकंड में ही कवर करता है। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मुझे फाइंड करना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहली बात ये है कि एक बॉडी ने पहले ए से बी गया फिर बी से सी की तरफ आया, तो उस कंडीशन में मेरा टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस, तो देखिए क्या होगा, ये देखिए 10 गया 5 वापिस आया तो नेट कितना हो गया 15, तो आप यहां डालेंगे 15 मीटर, ठीक है। अच्छा टोटल टाइम कितना लगा उसको, आप कहेंगे 5 सेकंड जाने में लगा 5 सेकंड यहां तक आने में लगा, तो टोटल कितना हो गया 10 सेकंड्स। सो देयरफॉर अगर मैं एवरेज स्पीड निकालता हूं, एवरेज स्पीड, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 15 मीटर डिवाइड बाय 10 सेकंड, तो आंसर आपके पास आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया आपकी एवरेज स्पीड, लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की तब हम क्या कहेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये तो आ गया, अब मुझे निकालनी है इसकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए वो कैसे निकालता हूं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होता है ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट पहले निकालेंगे। ओके सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट, तो आपका इनिशियल पॉइंट ये है और ये है आपका फाइनल पॉइंट, इसके बीच का गैप, ये इसकी बात हो रही है। तो 10 मीटर में से 5 मीटर माइनस कर दो तो कितना बचा 5 मीटर, तो ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो अब यहां डालेंगे 5 मीटर। अच्छा अब नीचे लिखा है टोटल टाइम, टाइम पूरा लेना है हमें, तो टाइम कितना है हमारा, टोटल टाइम कितना है, तो 5 सेकंड जाने में 5 सेकंड आने में, तो टोटल हो गया इसका 10 सेकंड। अब मुझे निकालनी थी एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास आ जाती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो 5 मीटर ओवर 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड।
तो देखिए इस तरीके से हमें अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, और उसी के साथ हमने फाइंड कर लिया अपनी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसके अलावा मुझे आपको एक दो बातें और बतानी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूँ, एवरेज स्पीड की बात करता हूँ, तो एवरेज स्पीड जो होती है या तो ग्रेटर देन होती है या तो इक्वल होती है मेरे एवरेज एवरेज वेलोसिटी के। याद है मैंने आपको एक बार बताया था, याद है मैंने आपको इसके बारे में एक बार बताया था कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे अगर मूव करती है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर आपकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, सो देयरफॉर एवरेज स्पीड हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू एवरेज वेलोसिटी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो ये आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। अब जैसे पिछले केस में हमने देखा कि ये ए पॉइंट से शुरू हुआ, बी पॉइंट पे पहुंचा, और मान लीजिए वो सी पॉइंट पे पहुंचता दोबारा, मतलब वो उसी पॉइंट पे आ जाता है जहां से उसने शुरुआत करी थी, तो उस केस में क्या होता, उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो जाती और आपकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो भी आपकी जीरो आ जाती। लेकिन अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आनी थी, क्योंकि देखिए यहाँ से जाने के 10 मीटर, वापस आने का 10 मीटर, तो इनको ऐड करता तो ऑटोमेटिकली इसमें कोई ना कोई वैल्यू आनी थी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी जीरो हो सकती है बट एवरेज स्पीड कभी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के डिफरेंस के बारे में बताता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले डिफरेंस तो यही है कि द डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड बाय अ मूविंग बॉडी को स्पीड कहते हैं, बट अ डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड बाय अ मूविंग बॉडी इन ए पर्टिकुलर डिस्टेंस तो उसको कहते हैं अपनी वेलोसिटी। दूसरा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर है ना, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये साथ साथ जीरो भी हो सकता है आपका, ठीक है। इसके बाद आफ्टर वन राउंड इन ए सर्कुलर पाथ द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो बट आफ्टर कंप्लीटिंग ईच राउंड इन ए सर्कुलर पाथ द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। वो इसलिए क्योंकि कंप्लीट पाथ के अंदर हम जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी वैल्यू जीरो आती है, देयरफॉर जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी जीरो हो जाती है। आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, मतलब किसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, किसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसी तरह हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और उसके रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जांपल करके बताया कि कैसे हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।